अभी मेरे पास हैंग फैंग का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है, ये छोटे छोटे से बिल्कुल जो है आई शेड्स होते हैं, जो कि एक कंप्लीट पैक के अंदर आई थिंक जो 5 कलर्स होते हैं उसके अंदर। सो मेरे पास पूरा पैक था जिसमें से मैंने ये पिंक कलर वाला लिया है, और इसको मैंने इस तरह से इनर कॉर्नर पर जैसा कि अलीज़े शाह ने अपने उस चूट में जो है वो लगाया हुआ है। सो आपने इसको जो है ना इस तरह से अप्लाई कर लेना है, अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आई लिड से ऊपर नज़र आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद आप सेम कलर का कोई भी डस्ट ग्लिटर जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हो मजीद शाइन के लिए। अब जी आई लैशेज़ को वॉल्यूम देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास ओरिफ्लेम का बिग लैश मस्कारा है, जिसके साथ हम प्रॉपर अपनी आई लैशेज़ को जो है वो वॉल्यूम देंगे, बिकॉज हमें जो है ना फेक आई लैशेज़ नहीं लगाने, क्योंकि अलीज़े शाह ने भी फेक आई लैशेज़ नहीं लगाई हैं, उसकी अपनी ओरिजिनल लैशेज़ हैं जिसको उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। अभी मेरे पास गिब्रिने के वाइट पेंसिल है जिसको हमने अपनी वाटर लाइन के अंदर अप्लाई करना है ताकि हमारी आइज़ जो हैं वो बड़ी दिखें। मोस्टली देखिए आप गोश की पेंसिल या फिर गिब्रिने की वाइट पेंसिल ट्राई करो, दिस वन इज़ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सो जी अभी क्रिस्टीन का ब्लश पैलेट मैंने लिया है 1 नंबर, इसमें से मैंने पिंक कलर लिया है। प्रॉपर हम पूरा एप्पल शेप में ब्लशन जो है वो अप्लाई करेंगे, इवन हमने नोज़ पर भी ब्लशन जो है वो अच्छा खासा लगाना है, बिकॉज आपने देखा है कि अलीज़े शाह ने बहुत भर भर के जो है ना ब्लशन अप्लाई किया हुआ है। लिपस्टिक के लिए जी मेरे पास क्रिस्टीन की लिपस्टिक थी जो कि मैंने अप्लाई कर ली है लाइट सी पिंक कलर में।